नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक से गुरफेश एपिसोड में, और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज, वो भी एक लाइव फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों पंगा क्या हो गया था कि मैं आज दिन भर था बाहर, काफी मीटिंग्स थी, काफी बिजी था, अभी जस्ट वापस आया, और जब तक हुआ न्यूज इकट्ठा करने का टाइम दोस्तों बज गया रात के ऑलमोस्ट 10। अब लगा कि अगर मैं अभी शूट करूंगा, अभी एडिट करूंगा, अभी अपलोड करूंगा तो भैया बहुत देर हो जाएगी। और ये जो चीज है बाय द वे, यहाँ पे मैंने अपने पूरे दिन को आज रिकॉर्ड किया है अपने इस छोटे से कैमरा में, तो वो आप देखेंगे वीडियो आने वाले संडे को नए चैनल पे। तो बस दोस्तों जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक, हम बढ़ते हैं आगे इस टेक न्यूज के अगले एपिसोड में। और आज की जो न्यूज है ना वो इतनी कुछ कमाल की है भी नहीं, थोड़ी एवरेज सी है। और शुरुआत दोस्तों अभी करेंगे तो बात हो रही है गेम ऑफ थ्रोन्स की। अगर आपको दोस्तों पसंद है तो भैया इसके सीजन 7 का जो एपिसोड 4 है वो ऑनलाइन लीक हो चुका है। HBO के दोस्तों जो सर्वर्स थे उनको हैक कर लिया गया था, और अगर आपका इंटरेस्ट है गेम ऑफ थ्रोन्स में, जो कि शायद होगा ही, तो वो अब आप ऑनलाइन जो है वो भैया अवेलेबल हो चुका है पहले ही। और क्या कर सकते हैं भैया, डिजिटल दोस्तों जमाना है सारा का सारा, एक बार कुछ चीज़ हैक हुई, लीक हुई, तो फिर किसका कंट्रोल है भैया, इतनी वेबसाइट्स इतने सर्वर से, पता नहीं कहाँ कहाँ भी चीज़ें होती हैं होस्टेड। तो ये दोस्तों अपडेट है वो आता है गेम ऑफ थ्रोन्स की तरफ से। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट है वो है ऊबर की तरफ से, और ऊबर जो है उसने दोस्तों पार्टनरशिप की है दिल्ली पुलिस के साथ में, और यहाँ पर दोस्तों एक हिम्मत ऐप जो है उसको ऊबर में अवेलेबल करवाया गया है, जिससे होगा ये कि जो वुमेन सेफ्टी थोड़ी सी और इंप्रूव हो जाएगी। वन कॉल जो है मतलब बेसिकली आपको बटन मिलेगा जहां पे आप वन टच जो है उससे डिस्ट्रेस कॉल कर सकते हैं इन केस कोई इमरजेंसी है, अगर कुछ प्रॉब्लम है। तो यहां पे हमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं वुमेन सेफ्टी को लेके, कि भाई यहाँ पे गाड़ियों में हमने सिस्टम ये लगा दिया, अलार्म लगा दिया, फोन में ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, और 50 तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं आता जहां पे हम ये सोचें कि यार हम कैसे इंसानों को इस बारे में अवेयर करें कि भाई आप क्यों हमारे दिमाग में जो है वो कचरा भर के रखते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अभी इंडिया की 125 करोड़ की आबादी है और सब तरह के लोग हैं यहाँ पे, एटलीस्ट वुमेन सेफ्टी को लेकर ऊबर ने कुछ ऐसा काम किया है जो शायद मदद करेगा। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है व्हाट्सएप की तरफ से, और लैग जो लिख रहे हो ना भैया, मेरे को मालूम है कि लैग होना इम्पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ दोस्तों मेरे को मिल रही है अभी 10 Mbps की स्पीड, फर्स्ट क्लास है, 720p के अंदर आपको स्ट्रीम मिल रहा है, तो लैग का बिल्कुल नाम मत लो। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है व्हाट्सएप की तरफ से, और आपको व्हाट्सएप के अंदर भी वो रंग बिरंग जो है वो स्टेटस देखने को मिलेंगे जो कि थे पहले फेसबुक में, जहां पे आपको एक बैकग्राउंड कलर के ऊपर कुछ भी बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख दो वो बन जाएगा आपका स्टेटस। तो अब आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है व्हाट्सएप में बहुत ही जल्दी। और व्हाट्सएप इतने फीचर्स दे रहा है ना, इतने फीचर्स दे रहा है ना कि मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मतलब हम कहाँ क्या क्या करने निकले हैं। पेमेंट भी आ जाएगा अभी तो व्हाट्सएप पे, फिर देखो मजे की बात। उसमें अगला अपडेट आ रहा है वो है भैया एक वेबसाइट को लेकर, और ये उसमें वेबसाइट है, इसका नाम है haveibeenpwned.com, और यहाँ पे जाके अगर आप एंटर करते हैं अपना पासवर्ड या फिर अपना ईमेल आईडी, तो वो आपका जो ईमेल आईडी या पासवर्ड है वो दोस्तों चेक करके बताएगा बहुत सारे रिकॉर्ड्स के बीच में, और आपको बताएगा कि भैया आपका जो अकाउंट है वो कभी क्या किसी डेटा ब्रीच का हिस्सा बना था या नहीं। मैंने अपने सभी अकाउंट्स को चेक किया है तो दोस्तों मेरे सभी अकाउंट से बिल्कुल एकदम ग्रीन, यानी कि मेरा जो अकाउंट है ऑनलाइन वो कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। आप भी जाके चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है कि ऐसे केस के लिए, जो केस क्या करेगा कि आपके आईफोन को कन्वर्ट कर देगा एक एंड्रॉइड फोन में, यहाँ पर उसका नाम है मी सूट, और ये दोस्तों मी सूट स्मार्ट केस है, इसको अगर आप लगाते हैं अपने आईफोन में, उसके बाद में कुछ आपको इसके अंदर ऐसा हार्डवेयर मिलता है और एक ऐप के बाद में आपका जो आईफोन उसका कंप्लीट जो इंटरफेस दोस्तों है वो बन जाएगा एंड्रॉइड फोन का, जो इसकी प्राइस है वो है 9,990 रुपये, और ये फिलहाल काम करता है iPhone 6 और iPhone 6s में। लेकिन कोई आईफोन यूजर बेसिकली एप्पल यूजर क्यों यूज करना चाहेगा एंड्रॉइड, और वो भी एक ऐसे अजीब से दिखने वाले केस के साथ में। एक्चुअली यार सॉरी, अभी लाइव में आपको फोटोज देखने को नहीं मिलते ना, थोड़ा सा पंगा हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये दोस्तों अपडेट है मी सूट स्मार्ट केस की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे अभी जो अगला अपडेट आ रहा है निकल के वो है भैया नोकिया 8 के बारे में, और यहाँ पे दोस्तों नोकिया 8 जो है उसको स्पॉट किया गया है एंड्रॉइड 8.0.0 के साथ में। मतलब एंड्रॉयड दोस्तों जो ओ है वो शायद पहला फोन होगा ऐसा नोकिया 8 जिसमें आपको देखने को मिले, और ये फिर नोकिया कुछ कमाल कर रहा है। उसके साथ में नोकिया 2 की भी कुछ फोटोज लीक होके आई हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि नोकिया इतना वेट क्यों कर रहा है यार। नोकिया 6 तो मतलब जमाना बीत गया, जनवरी से लेके अभी तक मतलब डिले डिले होता जा रहा है। अभी यहाँ पे नोकिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब क्या करने वाला है। अगर कुछ अभी कमाल नहीं किया तो बस ये लास्ट मौका है, फिर शायद मौका ना मिले नोकिया को वापस से, बेसिकली HMD ग्लोबल को वापस से अपने पैर जमाने का। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है एक फोन के बारे में जिसका नाम है कल्ट बियॉन्ड, और ये एक दोस्तों अपना डोमेस्टिक ही फोन ब्रांड है, लेकिन जो बनाया गया है वो है चाइना में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको बोलते हैं दोस्तों PRC, और ये फोन दोस्तों इंडिया में लॉन्च किया गया है। जो प्राइस है फोन की वो है 6999, यहाँ पे आपको मिलती है 3GB की रैम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है कुछ अनोन, कोई नाम कोई लेगा नहीं, लेकिन 3000mAh की बैटरी है, 13 फ्रंट और रियर कैमराज हैं, 5.2 इंच का मिलता है 720p स्क्रीन।
लेना है तो ले लो, कल्ट कर लो दोस्तों फॉलो। और इस कल्ट की जो स्पेलिंग है वो भी सी से नहीं है, वो के से है। तो ये है दोस्तों अपडेट एक नए फोन के लिए। जो है दोस्तों अगला हमको मिलता है एक टिप, वो ये है कि आईफोन 8 में दोनों कैमराज फ्रंट और रियर 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे, और वो भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड में। तो यहाँ दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, बिकॉज अभी तक तो आईफोन का जो फ्रंट कैमरा है वो सिर्फ फुल HD रिकॉर्ड करता है। सैमसंग में हमने देखा है कि यहाँ पे आपको 2.5K समथिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। उसके अलावा जो एसेंशियल का PH1 है वो फ्रंट कैमरा से 4K की रिकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आईफोन जो है वो करने वाला है 4K में 60 FPS, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका मतलब पूरी ताकत लगा दी है यहाँ पे सर टिम कुक ने अपने आईफोन में। अब देखो कि क्या अपडेट आगे निकल के आता है हमारे प्यारे सबके प्यारे दुलारे अगले एप्पल फोन के लिए। लैग लैग क्या लिख रहे हो भाई, सब लिख रहे हैं हाय 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 हाउ आर यू। तो भाई आप सभी को प्यार, आप सभी से नमस्कार। 6300 लाइव व्यूअर्स और सिर्फ 3700 लाइक, बड़ी नाइंसाफी है भाई। आप तो टारगेट पूरा करते हो और तो बस टारगेट पूरा करते जाओ, और लैग का नाम मत लेना, बिकॉज मैं अपने आपको एकदम देख पा रहा हूँ फर्स्ट क्लास तरीके से। यहाँ दूसरा अगला अपडेट है वो आता है ओप्पो की तरफ से, और ओप्पो में दोस्तों आ गया एक नया कलर F3 में, जो कि है रोज गोल्ड। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखेंगे कुछ दिनों बाद दीपिका पादुकोण फोन को ऐसे किसी स्टाइल में पकड़ते हुए, और वो दोस्तों फोन होगा रोज गोल्ड कलर का। और ये रोज गोल्ड क्या है, इसको बेसिकली पिंकी कहना सही है यार। और आज मैं डिस्कशन ऐसा कर ही रहा था एक आज दिन में मीटिंग थी उसके बाद में, कि यार गोल्ड के पीछे ना मतलब इतना दुनिया मतलब पागल हो चुकी है ना, गोल्ड रोज गोल्ड गोल्ड रोज गोल्ड, मतलब एक बार क्या एक निकाल लिया किसी ब्रांड ने, अब तो सबके सब जो है वो शुरू हो गए हैं गोल्ड रोज गोल्ड गोल्ड रोज गोल्ड। तो यार मतलब क्या हम इसी के पीछे मतलब कॉपी करने में लगे हैं इस चीज़ का भी, कि किसी एक ने हमारा थोड़ा सा एक नया कलर निकाला तो हम भी भैया हमारे सारे फोन्स जो हैं वैसे फ़ोन के बनाएंगे। अभी आ गया है ओप्पो का, अगर आपको लेना है सेल्फी वाला फ़ोन ले लो रोज गोल्ड वाला। प्राइस जो है वो तो उतनी है दोस्तों जितनी थी, जो कि है 19,990 रुपये। अब यहाँ दोस्तों अगला अपडेट आता है वो है गूगल और स्नैपचैट के लिए। और यहाँ दोस्तों गूगल ने ऑफर किया है स्नैपचैट को $30 बिलियन का, कि वो जो कंपनी दोस्तों पेरेंट कंपनी है स्नैप इंक, उसको परचेज कर ले। देखो अच्छा होगा एटलीस्ट कि सुंदर पिचाई जो है वो है गूगल CEO, और ऐसे में जो स्नैपचैट है वो बिक जाए और गूगल उसको खरीद ले, क्या पता कुछ भी हो सकता है। लेकिन मजा तब आया जब रतन टाटा या फिर मुकेश अंबानी जो है ना वो परचेज करे स्नैपचैट को, तब कुछ और इंटरेस्टिंग मजा आएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट आता है वो है LG V30 के लिए। इस फोन का भी एक वर्किंग प्रोटोटाइप जो है उसको पकड़ा गया, और यहाँ पर दोस्तों देखने को मालूम ही चलता है कि इसमें होने वाला है 6 इंचज का स्क्रीन, जो कि होगा पोलेट डिस्प्ले। और ये दोस्तों पोलेट स्क्रीन था, ये पहली बार आया था LG के G Flex में, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक ओलेट स्क्रीन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिल सकता है, और यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज इसके अंदर जो कवरेज है दोस्तों NTSC कलर गैमेट की वो एकदम 100% है। और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो फोन है इसमें आपको मिलेंगी क्वाड डैक, यानी कि जो आउटपुट होगा हेडफोन से वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और ये दोस्तों LG V20 में भी था, और अभी V30 शायद उसी ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करने वाला है। अब दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है Meizu Pro 7 को लेके। ये जो फोन है दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है पीछे की तरफ भी एक स्क्रीन, ये कुछ दिनों पहले भी अनाउंस हो गया था। और यहां पे इसका एक और अपडेट निकल के आता है कि जो फोन है इसमें आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर। अब ये जो स्नैपड्रैगन 835 है ये कुछ कर सकता है कमाल, वरना तो मीडियाटेक का X30 था जो कि इतना पॉपुलर है ही नहीं। अब देखते हैं क्या करता है Meizu अपने Pro 7 के साथ में। दूसरा अगला अपडेट है वो आ रहा है Nokia 8 की तरफ से, और यहां पे दोस्तों जो ड्यूअल कैमरा सेंसर्स होने वाले हैं रियर में Nokia 8 में वो कंफर्म हो ही चुके हैं। और यहां पे मालूम ही चलता है कि इसके अंदर आपको होने वाला है जो सेकंड सेंसर है वो मोनोक्रोम, तो आप ले पाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज भी, लो लाइट जो है वो भी काफी अच्छा होगा। उसके अलावा आपको कुछ और आर्टिस्टिक इफेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। इसकी बेसिकली कैमरा ऐप जो है वो लीक हो गई है, जो कि है पूरी चाइनीज में, हमको इतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने उसको पता लगा के बता दिया है कि इस फोन में आपको मिलेगा एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर कैमरा सेंसर। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया गैलेक्सी नोट 8 के लिए। एक अभी लेटेस्ट टिप आई है कि इस फोन में मिलेगी 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज। बैटरी कितने एमएच की कोई नहीं बोल रहा है, सब है चुप बैटरी के मामले में, बिकॉज आप सभी जानते ही हैं अच्छे तरीके से। दूसरा अगला अपडेट आता है वो है भैया आर्टिफिशियल स्किन को लेके। और यहाँ दोस्तों रिसर्च एक चल रही है, हालांकि फिलहाल तो चल रही है चूहे के ऊपर, हम इंसानों के ऊपर दोस्तों होगी बाद में, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हम जो है वो डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, अगर हम करें आर्टिफिशियल स्किन ट्रांसप्लांट, नकली स्किन उसका ट्रांसप्लांट, और उसके बाद में डायबिटीज से जो है वो छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा दोस्तों देखते हैं आगे चल के क्या इसका अपडेट निकल के आता है। लेकिन अब एक बात तो मान लो कि हेल्थ केयर के फील्ड में डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी मदद कर रही है आगे जाके। बस एक बार हम HIV का अगर निकाल लें सोल्यूशन, या फिर कैंसर का अगर हम एकदम फुल प्रूफ सोल्यूशन निकाल लें, तो इंसानों की दोस्तों जो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और ऐसे में हम सभी जीते रहेंगे आगे तक। बस रोबोट से लड़ाई करनी पड़ेगी, बीमारियों से लड़ाई करनी दोस्तों जो टाइम है वो शायद हम पीछे छोड़ देंगे। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग की तरफ से,
और ये आता है दोस्तों सैमसंग के अगले फिटनेस ट्रैकर के लिए। और यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट से कहती है कि इसके अंदर ये होगा बेसिकली आधा स्मार्ट वॉच आधा फिटनेस ट्रैकर। देखो अब ये कैसे काम करता है, गियर फिट 2 और दोस्तों उसके बाद में आने वाला है शायद गियर फिट 3 और ये शायद दोस्तों साथ में आएगी गियर S4 जो कि है इस गैलेक्सी S3 की सक्सेसर और ये शायद साथ में लॉन्च हो सकते हैं गैलेक्सी नोट 8 के लॉन्च के टाइम पे ही। अब देखते हैं कि सैमसंग क्या अपडेट निकाल के आता है अपनी अगली स्मार्ट वॉच या फिर अपने अगले फिटनेस ट्रैकर में। दोस्तों अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है हमारी फेवरेट कंपनीज ओप्पो और वीवो की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों अपडेट ये है कि अब ये जो है जा सकती है वापस मीडिया टेक की तरफ। थोड़े बहुत सुधर के कुछ फोन्स में लेके आए थे यहाँ पे अपना स्नैपड्रैगन, वापस दोस्तों चले जाएंगे अपने मीडियाटेक के पास में। तो भैया कैसे क्यों कहाँ कब किस फोन में हमको नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स आ रही हैं ये ओप्पो और वीवो के लिए। और आप में से कितने लोग ओप्पो और वीवो का फोन यूज करते हैं इस वीडियो को अभी लाइक करो जो दूसरे यूज करते हैं वो भी इसको लाइक करो। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो है लास्ट अपडेट है, इसके लिए आपको बोर नहीं करूंगा यार मैं एक्चुअली ना लाइव के अंदर लग रहा है कि आज की न्यूज इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है तो इसलिए शायद आप भी बोर हो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ दोस्तों फाइनल अपडेट है वो आता है शार्प एक्वस S2 के लिए। ये जो बेजरलेस टाइप का एक फोन है वो लॉन्च होने वाला है फिलहाल, इसकी दोस्तों डेट निकल के आती है वो है अगस्त 8। इसका मतलब ट्यूजडे को लॉन्च हो जाएगा बीजिंग में और यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो बहुत ही कम होने वाली हैं। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली शार्प क्या करता है अपने इस फोन के साथ में। इंडिया में तो आने वाला है नहीं, लेकिन अगर आया तो भैया किस प्राइस पे आया कैसा है हम देखते हैं कि शार्प दोस्तों अभी क्या कमाल किया है अपने एक्वस S2 के साथ में। मैं आज पूरा थक चुका हूं, टेक न्यूज़ तो खत्म हो चुकी है, 11 मिनट के अंदर हमने खत्म कर दिया, चलो बहुत ही अच्छी बात है। 2 मिनट आपसे करता हूं मन की बात और फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो आज दोस्तों दिन क्या किया मैंने आपको बताता हूं। अगर आपने अभी तक दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है गौरव चौधरी, मुझे मालूम है कि जो लाइव व्यूअर्स हैं आप सब सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो करके घंटी दबा दो। बिकॉज मैंने क्या किया आज, ये है मेरा नया कैमरा जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग बनाई थी जो कि है कैनन का G7X Mark II। मैंने आज दिन में जब से मैं उठा उसके बाद से अपने रूटीन को बेसिकली कैमरा के सामने शूट किया और आज का दिन था फ्राइडे तो दोस्तों ये काम मैं कल भी करने वाला हूँ। उसके बाद में आपको मैं संडे को सुबह जो वीडियो दूंगा उस नए चैनल के ऊपर तो उसके अंदर आपको मालूम चलेगा कि मेरा रूटीन कैसा था दिल्ली में, जहाँ पे मैं कहाँ गया किधर गया कैसे गया कहाँ रुक रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, तो वो आपको मिलेगा संडे मॉर्निंग वाली वीडियो में अपडेट। फिलहाल चल रहा है यार सीन सही है बिकॉज थोड़ा बिजी भी हूँ। कल भी एक इवेंट था गूगल का जिसके लिए मैं आया था और ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इवेंट था जहाँ पे मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के बताई थी गूगल का जो था टिल्ट ब्रश उसका कि कैसा मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस था। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास में एक इंटरेस्टिंग बैग भी है, अब इस बैग में मेरे पास में कुछ सामान था तो वो मैं आपको दिखाऊंगा उसी नए चैनल के ऊपर, इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। इसके अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉक्स है, कंटेंट्स क्या है मेरे को नहीं मालूम, जो भी है वो आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा और आपको दूंगा कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स, कल सुबह की टेक वीडियो तो आएगी जैसे आप रोज देखते हैं। संडे को भी संडे मसाला देखता हूं कि इस बार शायद लाइव कॉलिंग करूंगा या क्या करूंगा कैसे करूंगा। आप सभी जो है दोस्तों जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी को बहुत सारा प्यार सल्यूट, ढेर सारी आपके लिए बधाई क्योंकि हम सभी दोस्तों मिलकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो आप सामने नाम लिख रहे हैं ना, विवेक है, चिन्मय है, प्रियांशु है, आर्यन है, अनिमेश है, पीयूष, अमरिंदर, अरुणाब, यशराज, स्पर्श, शुभम, आदित्य, अनमोल, एमए उत्सव, जितेंद्र, विवेक, रजत, आप सभी को हेलो यार। आप सभी से एक्चुअली क्या ना कभी कभी लगता है कि हम ऐसे बात नहीं कर पाते ठीक तरीके से, लेकिन ये एकदम फर्स्ट क्लास बात कर रहे हैं और मैं इस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट अपने इस कैमरा के अंदर भी कैप्चर करता हूं ताकि मैं एटलीस्ट बता पाऊं कि मैं लाइव कर रहा था। तो ये मैंने कैमरा कर लिया है ऑन और मैं इससे शूटिंग स्टार्ट करता हूं तो ये हो जाएगा बेसिकली इंसेप्शन एक तरीके का और ये आ गया डन। दोस्तों मैं यहां पे बना रहा हूं फिलहाल लाइव वीडियो जो कि आप देख चुके हैं पहले ही और यहां पे ये चल रही है सामने लाइव स्ट्रीम कुछ इस तरीके से और काफी मजा आ रहा है। और बस अभी ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ, इसको भी खत्म अभी थोड़ी देर बाद में और उसको भी खत्म थोड़ी देर बाद में, तो ये वीडियो के अंदर वीडियो बन रही है, काफी कमाल हो रहा है भाई। और आज का दिन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है, बाकी आपको कुछ अपडेट हुआ तो दूंगा लेट नाइट। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे इस तरफ देख के लाइव जो चल रहा है उसके अंदर। चलो तो ये जो था पार्ट ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, काफी इंटरेस्टिंग है और अब जो है इस लाइव को भी खत्म करते हैं, 14 मिनट मतलब बहुत ज्यादा हो गया है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, टिकटॉक्स जो है वो आज मैनेज कर लो, कल तो वापस वही आने वाला है दोस्तों रिकॉर्डेड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको थोड़ा सुझाव तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।